أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स मुसफा 5 इशारा डी की क्लास में शामिल। सबसे पहले तो आपसे सबसे दरख्वास्त है कि आप सरकाशी के लिए दुआ खसूसी कीजिए। उनकी तबीयत कल भी आप देख रहे थे बहुत ही जो है वो खराब थी, आज भी वो इस कदर ठीक नहीं है कि क्लास ले सके। तो हम सब अल्लाह ताला ने जल्द से रियाब करें। बाकी रही आपकी आज की क्लास, आपकी क्लास बहुत ही अहम है आज की। उसकी 3 वजह। पहली तो ये है कि ये इस कोर्स की आखिरी क्लास है, इसके साथ आप आज जो है आपका कोर्स पूरा हो जाए। दूसरा, इस कोर्स में जितने भी आपने जमा मुकसर यानी जमा के मुख्तलिफ जो है पैटर्न देखे थे, वो आज एक टेबलेट की शिकल में हम उसे दोहराएंगे। और तीसरा, सबसे अहम पॉइंट जो आज के सबक से मुतसलिक है, वो है मजहूल। अभी तक आपने मजहूल नहीं पढ़े थे, आज से आप मजहूल से भी जो है वो आशना हो जाएंगे और उसे पढ़ेंगे। तो आइए, अल्लाह से दुआ है वो हमें जो है कुरान की सही तरीके से फहम अता करे और उस पर अमल की तौफीक। जैसा कि आप जानते हैं, पहले पारे को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्से में जो है 5 सफ़े हैं, जिनमें पहले 5 सफ़े जो है वो QC2 में आप पढ़ते हैं। इसमें जो है सूरत बकरा की 1 से 37 तक आयते हैं। दूसरा जो हिस्सा पाओ है वो 6 से जो है 10वें सफ़े तक है। ये इंशाल्लाह आप अब QC3 में जा रहे हैं, वहां पढ़ेंगे। इसमें जो है सूरत बकरा की आयत नंबर 38 से 76 शामिल है। और तीसरा पाओ जो है जो कि सफ़ा नंबर 11 से 15 तक है, ये आप QC4 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो आयत जो है सूरह बकरा की 77 से 105 तक है। और जबकि आखिरी पाओ इंशाल्लाह आप QC5 में पढ़ेंगे, जिसमें सूरह बकरा की 106 से लेके 141 तक आयते हैं। और 141 पे पहला पारा मुकम्मल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह आप पूरा पारा जो है वो पहला पारा जो है मुकम्मल कर दें। तो अब आते हैं अपने कोर्स की तरफ, QC2। इसमें जो है हमने ये पहले 5 सफ़ात पढ़ने हैं, जिसमें सूरतुल फातह और सूरतुल बकरा की 37 आयतें शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पूरी हो जाए। और इसमें तذکرہ है हदायत का, मुत्तकीन, काफ़िरीन, मुनाफिकीन, दावत अल कुरान और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है। इन 5 सफ़ों को हम अपने दाएं हाथ की 5 उंगलियों पर ऐसे रखते हैं कि अंगूठे पे पहला सफ़ा और छोटी उंगली पे जो है 5वां सफ़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहले जो है वो 4 सफ़े मुकम्मल कर लिए, उनके जो है वो इशारों को दोहरा लीजिए। अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत, मुत्तकियों की सिफात। अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत, मुत्तकियों की सिफात। दूसरे सफ़े के इशारे थे काफ़िरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखें। काफ़िरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, क्यों? फसादी और बेवकूफ़ और दो रुखें। तीसरे सफ़े के इशारे थे आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, फ़िरौन की, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। और चौथे सफ़े के इशारे जो है वो क्या थे जी, आप में से कोई बता दें जी, बताइए। वईदो बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। अब आइए इनको मुख्तसरन दोहरा दीजिए जी, क्या क्या है? वईद, तारीफ, दुआ, हदायत, सफा। पहले सफ़े पे तारीफ, दुआ, हदायत, सफात। दूसरे सफ़े के मुख्तसर इशारे क्या है? काफ़िरीन, मुनाफ़िकीन, काफ़िरीन, मुनाफ़िकीन, फसादी, दो रुख। और तीसरे सफ़े के मुख्तसर इशारे
आग बारिश दावत चैलेंज, बारिश दावत चैलेंज और चौथे सफी के इशारे वहीद 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 मच्छर गुमराह कुफर। मच्छर गुमराह। तो अब आखिरी सफा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके आपने तीन इशारे पढ़ लिए हैं। पहला इशारा उसका क्या था? खलीफा पर खलीफा सवाल, कुफर। खलीफा पर दूसरा इशारा उसका क्या था? सवाल, माँ की तालीम। और तीसरा इशारा जो आपने पढ़ा, इब्लीस इंशाल्लाह ये सजदा और आखिरी चौथा इब्लीस, इशारा आज हम पढ़ेंगे, क्या है? इस्लाना और तौबा, इस्लाना और तौबा। तो आइए इनको भी आखिरी उंगली पर रखिए। जी, कौन से इशारे पे? पहला इशारा क्या था? खलीफा वही दो बशारत, पर सवाल, सवाल खलीफा पर सवाल, असमा की सवाल, तारीफ, की तारीफ, इब्लीस और असमा की इशारा तारीफ, सजदा और सजदा और इब्लीस, इब्लीस, फिसलाना और तौबा, इस्लाना और फिसलाना और तौबा। तौबा। और मुख्तसरन क्या कहेंगे? खलीफा, खलीफा, असमा, 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 सजदा, सजदा, इब्लीस सजदा और तौबा, इस्लाना। फिसलाना। इस्लाना तो आइए आज हम चलते हैं। जो इशारा हमने पढ़ना है वो क्या है? चौथा इशारा फिसलाना और तौबा। पिछली आयतों में इससे पहले अल्लाह ताला ने बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दरख्त के करीब जाने से मना किया गया था। अब अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि शैतान ने हजरत आदम को फिसला दिया और उन्होंने तौबा की। तो आइए, पहले चलने से पहले इसकी तिलावत, जी आप में से कौन इसकी तिलावत करना चाहेगा? हैंड रेस कीजिए। जी कीजिए, कैसरा खालिद कीजिए सिस्टम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه نمسكار، كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. सिस्टर ये फाता फाता अलग है और लाम जाके काफ से मिल रहा है, फाता लक का। अच्छा, जी इसकी हमने ड्रिल ये करनी होती है, इसमें हमने हर्फ किस्म और फेल पहचान। फअज़ल्लाहुमा कितने हिस्से? पहले तो हिस्से खींचिए, इसके टुकड़े कीजिए। तीन होंगे शायद, तीन फा फा क्या है? होंगे, फा तीन बस हर्फ है, चले। अजल्ला, बस अजल्ला जी फेल फेल है। फेल और है फेल माजी कौन सा फेल है? माजी मुदारे अमर, माजी माजी माजी। हुमा, हुमा क्या है जी? उन्हें केसर हुमा उन दोनों इसम जमाए इस में से दो होता है जमाए दोनों। ये आज से इसे आप पक्का कर लीजिए। हुआ एक, हुमा दो, हुम सब। अब समझ आ गया हुमा किधर है? हुआ एक, हुमा दो, हुम सब। दोनों तो अब ये हुमा आपको नहीं भूलना चाहिए पक्का, कि ये दो के लिए, क्योंकि आगे अगले एडवांस रेसिडुअल्स में आप जाके ये जो इसे कहते हैं तस्निया, तस्निया के जो है वो जो है पढ़ेंगे सीरे, तो लिहाजा ये पक्का कर लें। हुमा हुआ हुम से मिलता है, हुआ हुम हुमा तीनों इकट्ठे। अश्शैतान, हाँ जी ये तो पक्का पता होना चाहिए। किसको नहीं है पता कि ये क्या चीज है, वो मुझसे पूछे। इसमें इसम आप में मारफा, फेल कोई ऐसा बंदा है जो अश्शैतान को नहीं पहचानता कि ये इसम फेल या हर्फ में से क्या, मुझसे पूछ ले। आज आखिरी क्लास, मौका है, फायदा उठाएं। अलिफ लाम, जिस हर्फ पे अरबी में अलिफ लाम आ गया, इसम। आगे सोचने की बात ही नहीं है कि क्यों क्या कैसे, नहीं, अलिफ लाम जिसके साथ जुड़ा इसम। आगे जी तनहा, टुकड़े कीजिए इसके। तन दो क्या है? फेल हर्फ अनुल तो हा क्या है? जमीर इसम फेल हर्फ, ये बताएं इसम फेल हर्फ क्या है?
इसमें सर, इसम है। तो अभी एक और चीज आज काम की आपको पता चल जाएगी, ये हा वाले सिरे जो है ना ये गायब के होते हैं, हुआ हुमा हुम, और अब क्या आ गया हा, मौनस, हिया हा हुन्ना, ये जिस जिस के साथ हे लग जाते हैं ना ये सब गायब के सिरे होते हैं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हा भी जो है वो मौनस फायद के लिए होती है। तो ये क्या है मौनस, ये क्या है, इनको कहते हैं जमीर, इनको क्या कहते हैं जमायर, प्रोनाउन, हुआ हुमा हुम हा, तो ये जितने भी जमायर हैं सब क्या है इस्म फेल हर्फ में से क्या है इसम। इसम। मैं सर सारे इसम। अब आपने नहीं भूलना जहां पे हुम हुमा हुआ हुआ सब इसम है। तो ये भी फैसला हो गया। आगे चलें जी, क्या आ गया, फअखरजहुमा, पहले तो टुकड़े कीजिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम यह, कोई भी लफ्ज पढ़े उसके टुकड़े करें जी। तीन 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 टुकड़े, फअखरजहुमा और हुमा, क्या है फअखरजहुमा पर फल फिर दुरुस्त कहा सिस्टर, मेरा सवाल सुनिए, फा क्या है इसम फेल हर्फ में से क्या है, हर्फ 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 है अखराजा, हाँ जी अखराजा, फेल फेल अखराजा, कोई बताएगा ये माजी मुदारे अमर में से क्या है, आपने अभी तक ये पढ़ा माजी, इंशाल्लाह माजी है अखराजा, ये माजी है, ये मजीद फीस है, ये आप वहां जाके पढ़ेंगे। अच्छा हुमा फिर आ गया, हुमा क्या था दोनों का, उन दोनों के लिए, हम तर्जमा नहीं सिस्टर, हम तक इसकी ग्रामर देख रहे हैं कि ये इसम है फेल है हर्फ में क्या है, फिर उसके बाद वाहिद है जमा है तस्निया है, यानी एक है जमा है या दो है, ये दो का सिया, फिर हम ये देखते हैं ये आया किसके लिए, मुजक्कर मौनस किसके लिए, तो ये याद रखिए हुमा जो है दोनों के लिए होता है जी। ये देखें फिर इशारे देखें, हुमा हुमा हुम या हुमा हुन्ना, हुमा दोनों के लिए होता है मुजक्कर मौनस। आगे चले जी मिम्मा, हाँ जी मिम्मा क्या है इसम फेल हर्फ, हर्फ हर्फ, चले इससे थोड़ी देर के लिए छोड़ लेते हैं, जब मैं आपको इसकी वो दिखाऊंगा डिटेल वहां बताऊंगा ये क्या है, ये भी कंपाउंड है। आगे आ जाए काना, काना तो ये आपने कल भी पढ़ा था आज भी पढ़ लिया, बता दीजिए क्या है इसम फेल हर्फ, फेल 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 है, वाहिद है तस्निया जमा तस्निया, ये माजी है मुदारे है अमर है, माजी है माजी माजी, आगे फी ही टुकड़े कीजिए, फी ही मुझे कंपाउंड लग रहा है, दो 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 टुकड़े, फी क्या है, ये फजल्ला में भी आ गया था और ये फिर जो फखरजा में भी आ गया था, फी आ गया, देखें तीन दफा आ गया, शोर हो रहा है प्लीज वो खुद ही जो है उम्मीद कर लें ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो, प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से हम्बली, ये आतिफा आपके यहाँ से शोर हो रहा है, बजाय इसके कि मैं नाम लूँ या खुद बंद करूँ, आप प्लीज खुद कर लें, हाँ जब आप कोई जवाब देना चाहते उस वक्त ऑन कर लें फिर बंद कर लें, तो प्लीज ये कर लें। आगे चले जी, कहाँ तक पहुंचे थे, टी क्या है हरफ, और ही क्या है, फीमेल फीमेल, सारे जमीर आज हा वाले आ रहे हैं, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना ही हुम, ये जिस जितने हा वाले ये सब जमीर सब नॉन। आगे जी वकुलना, जी ब्रेक कीजिए इस लफ्ज को, वकुलना दो वाकुल और ना तीन, तीन वा क्या है, दो और कुलना है, और ये कौन सा सीगा है, गायब का है हाजिर का है मुतकल्लिम का है, कौन सा है, मुतकल्लिम में वाहिद है या जमा है, आगे जी चले एहबितु, एहबितु जब हमने इसे अलहदा कर दिया ये जेर के साथ पढ़ा जाएगा,
इहबितु, हाँ जी, इसम फेल हर्फ, फेल फेल माजी मुदारे अमर, अमर 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 माजी अमर अकबर, अमर अमर वाहिदा जमा 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 जमा। अच्छा जी, आगे बाद हुकुम। हाँ, यहाँ पता चलेगा किसको याद है। बाद हुकुम, बाद और कुम, बाद क्या है, इसम फेल हर्फ। इसम इसम गुड, एक्सलेंट। ये मैंने किसी वक्त आप लोगों को पढ़ाया था या बताया होगा कि 16 ऐसे अल्फाज हैं जो कुरान में इस्तेमाल होते हैं, उन पे इलामत मुजक्कर मुअन्नस की नहीं है, लेकिन वो सब मुअन्नस हैं और क्योंकि अरब इस्तेमाल, जैसे समा, समावात, अर्द, जहन्नम। इसी तरह ये जो है बाद हुकुम, ये जो है बाद, कबल, फौका, ताहता, इमामा, ये सब इसम है। कुम, हाँ जी, ये कौन बताएगा कुम क्या चीज है इसम फेल हर्फ में से। इसम इसमें है, इसमें इसम होता होना है, इसमें चाहिए। प्रोनाउन है, यानी जमाइर में से है। जी सर, आगे आते जी, लिबादिन, टुकड़े कीजिए। दो तो ली और दो बाद, ली और ली बाद, क्या है, हर्फ ली ली क्या चीज है, बाद, हर्फ और बादिन ली हर्फ हर्फ, बाज आदि फेल दिन इसम है, इसम फेल दो जेर है, है। बाज फेल इसम इसने बादिन कहा ना भाई, इसको तो आज इसम स्पेशल इनाम मिलना है, चाहिए। तो इसम है, भाई दो दो दो, उसके नीचे जेर नहीं नजर आए किसी को। जी सर, इसम है जब सर, दो जेर आए तो फेल कैसे हो गया सर? नहीं मुंह से नहीं गलती से गलती निकल गया था। से नहीं, आप निकल लोग गया था सो रहे हो, गलती नहीं, आप लोग सो रहे हो, सोए सोए जवाब दे रहे हो, सर, जाग जाग गए जाओ। हैं। अच्छा, अदुवन, हाँ जी, इसम फेल हर्फ, इसम, इसम ये तो कहो, इसम गुड। है। दो पेज के वलकुम, ऊपर तीन, वलकुम, टुकड़े कर, पहला कहाँ गया, और दो, आगे तीन हो टुकड़े गया। हैं। अच्छा अलग ठीक है जी, तीन टुकड़े क्या, अब तीनों का फैसला करें। वाह क्या है, ला क्या, और कुम क्या है। वाह हर्फ है, लाम हर्फ है, और कुम इसम है। कुम वो क्या है, जमीर है, जमीर है, इसको कहते हैं जी जमायर, सर, और फिर सिर्फ जमायर के बाद हम कहेंगे तमाम जमायर इसम। गुड, आ गया जी, फेल अर्दी, फीत तो वैसे ही अलहदा से है, क्या है, हर्फ है इसम है, फेल है जी फीत, हर्फ है, जी हर्फ अल इसम अर्दी, है, इसम 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 है, अल अर्द इसम है। अच्छा, बहुत अच्छा जी, इसम है, आसम मान लिया। अगला सवाल, वाहिद है, जमा है, क्या है, वाहिद 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 है, तो इसकी वाहिद जमा क्या है, वाहिद जमा है, क्या, अराजी अराजी अराजी। और तीसरा सवाल, क्या मुजक्कर है या मुअन्नस, मुजक्कर लग रहा है, मुअन्नस मुअन्नस है, मुअन्नस मुअन्नस, अभी मैंने बताया था, मुअन्नस समावात, अर्ज, मुअन्नस जहन्नम, मुअन्नस मुअन्नस फौका, ताहता, खल्फा, ये सब इसम है। आगे आ जाए जी, मुअन्नस मुस्तकरुन, जी कौन बताएगा मुस्तकरुन, इसम मुस्तकर सर, इसम इसम है, है, नजर आ ये रहा है फाइल, है, दो पेज है नजर आ रहा, यहाँ कोई शक पर, नहीं मुस्तकरीन है। वह मताउन, वाह जो है, वाह है क्या, वो गब, भी हर्फ है, मताउन, मता क्या जी, इसम फेल वाह हर्फ, इसम, मता मताउन इसम है, इसम है, इसम है, इसम है, इसम तन्वीन नजर आ रही है, ठीक। आगे इसम चले जी, इलाहीन, इला क्या चीज है, इला हर्फ है, हर्फ है, इला हरूफ है, है, जर, हरूफ है, जर तन्वीन है। इसम है, आपने हरूफ जर की बात कर दी, तो अभी अगला सवाल होगा कि पूरी आयत में कौन कौन से हरूफ जर आए। इंशाल्लाह। इस वाली आयत में, जी हाँ, इस आयत में 36 नंबर आयत में कौन कौन से हरूफ जर आ गए हैं। इला, फी, ला, अन आया है, ली मिन, अन मिन, और मिम, इला, मा, अन, देखें, आपको 7 हरूफ जर तो हमने QC1 में पक्के कराए थे, जी ली, मिनान मिन, अन, बी, ली फी, फी अला, अला और इला तो आप उसने देखे, फा जो है ये एक्स्ट्रा है, ये आपको वहां नहीं बताया था, ये भी आ गया, अन भी आ गया, फिर जो है ये मिम्मा में मिन जो है ये आ रहा है, ये भी हर्फ है, और मैंने आपको रोक दिया, अभी हम नहीं से रोक रहे, फी जो है ये भी हर्फ है जा रहा है, और जो है ली, जो है ली भी हर्फ जा रहा है, और उसके बाद जो है ला, ला जो है, ये ला और ली दोनों हर्फे जा रहा होते हैं, और जो है आगे एला आ गया, ये लफ्ज आ गया हीन, हीन क्या चीज होती है जी, इसम फेल हर्फ, ग्रामर की बात इसम करें, इसम वाहिद सर, जमा, वाहिद वाहिद लग रहा है, वाहिद, वाहिद वाहिद लग मुजक्कर मुअन्नस, रहा है, मुअन्नस लग रहा है, मुअन्नस मार्फा नकरा,
चले जी, पहली आयत मुकम्मल हुई, दूसरी आयत की तरफ चलते हैं। फतह लक्का, टुकड़े कीजिए, फतह लक्का। गुड, फा जो है वो हमने पढ़ा, देखें चार दफा आ गया फा इसी जगह, तो वो जो है तो वो तो हरफ हो गया। और क्या है हरफे जा रहा है ये भी बता दू। तलक्का, हाँ जी तलक्का क्या चीज है? ये याद रखें अतफ के तौर पे भी होता है, क्योंकि यहाँ वाव आ रहा है कई जगहों पे वो अतफ है, तो फा अतफ भी होता है और जारा हरूफ जारा में भी। आगे जी, तलक्का जो है ये बताएं इस्म फेल हर्फ में से क्या, हम ग्रामर की बात करेंगे बाकी चीजें नहीं। तलक्का ये सर वो फेल है, फेल है, तलक्का फेल है, तो माजी मुदारे अमर अगला सवाल उठता है। माजी माजी आगे है माजी ये है लका, लका यलका से है तलका, ये मुदारे है, मुदारे है। तो अगला सवाल होता है वाहिद है जमा है? वाहिद वाहिद जमा होगा। आ जाए जी आदमु, हाँ 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 आदमु मिन, मिन क्या है? हर्फ, हर्फ, हर्फ है जर। ही रब ही के टुकड़े करके बताइए दोनों हिस्से क्या है, रब क्या है और ही क्या है? ही तो रब है, इसम है, ही और इसम है, दोनों इसम हो गए, इसम है, ये इसमें इसम है। आ गया जी कालीमातिन, वाह क्या लफ्ज है कालीमातिन, इसम है। तो ये बताइए मुजक्कर है मुअन्नस है? वाहिद है या जमा है? जमा। गुड, कलमा जो है वाहिद होता है, कलमा जमा होती है। फताबा, यस, इसके टुकड़े करें ये मुरक्कब लगता है, फताबा और ताबा। अलैही टुकड़े कीजिए, अच्छा यहाँ ताबा लफ्ज आया, इसको गौर कीजिए, इसके साथ अला आ गया। ये दो तरह से आता है, ताबा इला और ताबा आला। जब आला आता है तो इसमें तौबा कबूल करना यानी अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल। जब आता है ताबा इला अलिफ से, फिर ये होता है तौबा करना यानी तौबा करने वाला, तौबा करना। आइए जी इन्ना, हाँ इसके कितने टुकड़े होंगे? इन्ना और दो, दो इन्ना और हु, इन्ना हर बेशक वो, और हु क्या है? हु इसम है, इसम है, इसम है। हुआ क्या चीज है जी? हुआ भी ये भी जमीर है, जमीर है। तवाबु, अतवाबु जी तवाब अल्लाह भी है, तवाब बंदा भी है। जब बंदे के लिए तवाब इस्तेमाल हो तो इसका मतलब है तौबा करने वाला, और जब अल्लाह के लिए तवाब इस्तेमाल हो तौबा कबूल करने वाला है, बंदा भी तवाब है। आइए जी आगे, तो बहुत ही अहम लफ्ज आ गया, अर रहीम इसम मार्फा, ये यहाँ पे पूरा हुआ। इसके असबाक पहले देख लेते हैं। शैतान हमारा सबसे बदतरीन, बहुत खतरनाक और तजर्बाकार दुश्मन, हमेशा शैतान से अल्लाह की पनाह मांगिए और उसकी चालों से खबरदार रहिए। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, शैतान की पैरवी करके उसे बर्बाद, जब हो जाए तो फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगे। तो आइए अब आपको मैं इनके जो है जो आज की एक्सरसाइज, प्लीज म्यूट रखें सिस्टर, आप खुद ख्याल कीजिए, जिस वक्त आपसे सवाल जवाब हो रहे हैं उस वक्त अनम्यूट कर लिया करें, जब ना हो रहा तो फिर चुप करें। तो आइए, ये आज की आयत थी, पहली आयत थी 36 नंबर, उसमें देखिए फा अन फा मीम, ये मिम्मा जो है असल में मिन और मा, ये पहला हिस्सा मिन है ये, और फी वा वा ला वा और इला, ये सब हरूफ है। उसके बाद है ये सबज रंग में देखिए, अजल्ला अखरजा काना कुलना इहबतु, ये सब क्या है? फेल। अस्मा देखिए, हुमा अश शैतानु हा हुमा
माँ, ये मैंने कहा था ना माँ, इसको रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब ये देखिए ये असल में दो टुकड़े हैं इसके, मिन और माँ। मिन जो है हरफ है, माँ यहाँ पे बतौर इसम है। याद रखें माँ बतौर इसम भी आता है और हर्फ भी आता है। जब ये हर्फ के तौर पे आता है या तो नहीं ना के लिए आता है, जैसे माँ दराबा उसने नहीं मारा, या सवाल के लिए आता है माँ इसमो का तेरा नाम, और ये उस जुमले के शुरू में आता है। माँ दराबा माँ इसमो का देखें जुमले के शुरू में आ रहा है, तो उस वक्त ये हर्फ होता है। और जब ये जुमले के दरमियान में कहीं आ रहा होता है तो उसको कहते हैं क्या, इसम। उस वक्त ये इसम, इसमें मौसूल है, इसका असल नाम है, इसको कहते हैं इसम। फिर ये जो के मैनी देता है, मां जो जो के मैनी, जो के मैनी देता है। तो आइए आगे देखिए, ही जमीर बाद हुकुम में, बाद जो है इसम है, आपको बताया था कुम भी इसम है, बादिन इसम है, और दून इसम है, कुम इसम है, अल आद मुस्तकरुन मताउन। ये जो है पहली आयत 36 नंबर के हर्फ अस्मा और अफाल। अब आइए अगली 37 नंबर आयत जो हमारी आज की आखिरी आयत है, इंशाल्लाह इसे आज मुकम्मल करेंगे। इसमें फा मिन फा अला इन ये सब हरूफ, तलक्का ताबा ये दो फेल आए हैं, आदमा रब्बी और ही कालीमातीन, और फिर ही हुआ अत्तवाब और रहीम, ये सब क्या अस्मा। चलिए तो आइए आते हैं, देखते हैं आज की इस दोनों आयतों में नए आने वाले हरूफ कितने हैं, 1, 2, 5, 2, औसतन 3 से ज्यादा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है वो अभी इतना सीख गए हैं कि एक लाइन में अगर 9 हरफ है तो कम से कम 6 तो आपको आते ही आते हैं। तो आइए अब चलते हैं इसके लफ्जी तर्जमे की तरफ। पहले जो है रवा तर्जमा देख लें, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهم الشيطان پھر فسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے انہا اس سے فأخرجهما پس نکال دیا ان دونوں کو مما اس سے کانا فی وہ دونوں تھے اس میں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ تم میں سے بعض لِبَعْضٍ عَدُوٌّ بعض کے دشمن ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے ایک وقت تک، یہ نہیں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا، یعنی تم نے لوٹنا ہے واپس میرے پاس ہی آنا ہے، ایک خاص وقت تک تمہیں بھیجا جا رہا ہے اور تمہیں سامان زندگی بھی دیا جائے۔ متاع کہتے ہیں وہ چیزیں جو مستقل انسان کے استعمال میں آتی ہیں، وہ متاع ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں مال و متاع اردو میں۔ تو آئیے لفظی ترجمے کو دیکھ رہے ہیں، فَأَزَلَّهُمَا فَا پَسْ أَزَلَّا پھسلایا ہوا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے ان ہا ان سے ہا ہا سے مراد کیا ہے جنت، یہ جنت کے لیے ہا کی ضمیر جا رہی ہے۔ فَأَخْرَجَ فَا پَسْ أَخْرَجَ نکالا ہما دونوں کو مما اس سے جو کانا تھے فی ہی اس میں، فَأَزَلَّهُمَا کا مطلب پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے، ہما اور ہم یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہوا ہوا ہم ہما، یہ تینوں ہا کے سیرے غائب کے لیے ہوتے ہیں، ہوا ایک کے لیے ہوتا ہے، ہما وہ دونوں کے لیے، ہم اور ساتھ میں میں نے ایک اور بات بھی بتایا، ہما مذکر کے لیے بھی ہے، مونس کے لیے بھی، تو یہ آپ نے خاص طور سے نوٹ کر۔ تو کانا وہ تھا، کانا وہ دونوں تھے، دونوں میں دیکھیں کتنا تھوڑا سا فرق ہے، کانا کانا، اگر کانا آپ اس کو کانا کہیں گے تو اس کے مطلب ہے دو، کانا ایک تھا، کانا دو تھے، یعنی ایک تھوڑا سا الف کے برابر اسے کھینچ۔ وَقُلْنَا اور قُلْنَا اور کہا ہم نے اِحْبِتُو تم سب اتر جاؤ، اِحْبِتُو کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا، یہ بھی بڑا نازک سا نقطہ ہے، تم سب نیچے اتر جاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہوا، جنت جو ہے وہ کہیں اوپر ہی ہے، زمین جنت سے نیچے ہے، زمین پہ اتارا گیا ہے جنت سے۔ بعدکم تم میں سے بعد، لبادن ادو بعض کے دشمن ہیں، ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر، مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو،
वह मता और सामान्य जिंदगी, जैसा मैंने कहा वो जो जरूरत की जिंदगी की चीजें जो मुस्तकिल इस्तेमाल में रहती हैं वो मता होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं मालू मता, यानी वो चीजें जो आपकी जाती कस्टडी में होती है, आपकी मलकियत में होते हैं, उनको आप कहते हैं ये मेरा मालू मता। तो आइए शरा देखते हैं। लोगों को बहलाने और फिसलाने के मामले में शैतान से ज्यादा चलाक कोई नहीं। इस बात का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि जन्नत में रहते हुए शैतान ने हजरत आदम और हजरत हवा अलैहि सलाम को फुसला दिया। क्या कोई आदम अलैहि सलाम से ज्यादा समझदार हो सकता है? हमेशा अल्लाह की पनाह तलब कीजिए, शैतान से और उसकी चालों से खबरदार रहें, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ ले जाता है। बहुत मुमकिन है कि हजरत आदम अलैहि सलाम को फिसलाने में भी उसे काफी वक्त लगा हो। शैतान हमारा सबसे बड़ा, सबसे बदतरीन, बहुत खतरनाक तजर्बाकार, और सबसे बड़ी बात है हम उसे देख नहीं सकते। तो इसलिए हमेशा कहिए आऊज़ु बिल्लाह। तआवुज़ जो है आपके लिए, और जो आखिरी दो सूरतें हैं सूरत अल-फलक और नास, ये जो है पनाह है। इसलिए खुद की जहानत पर या अपने प्लान पर या फिर अपनी बातों पर भरोसा न करें। उसका सबसे अहम और मौसर हल ये है कि अल्लाह की हिफाजत करें, इसलिए कि सिर्फ अल्लाह ही हमें शैतान के जाल से महफूज रख सकते। हमारी दुनियावी जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, इसलिए हमें अपने वक्त को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। अल्लम, अब है आपकी बारी, तो आप में से कौन इसे पढ़ना चाहेगा? जी तिलावत कीजिए, जी खालदा मंजूर कीजिए करने के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फाज़ल्लाहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा, फिर फुसला दिया उन दोनों को शैतान ने उससे, पस निकाल दिया उन दोनों को, मिम्मा काना फीही, उससे जो वो दोनों थे उसमें। वकुलना बितु बाज़ुकुम, और हमने कहा तुम सब उतर जाओ तुम में से बाज़, लिबाज़िन अदू, बाज़ के दुश्मन हैं। वलकुम फिल अर्दी, और तुम्हारे लिए जमीन में, मुस्तकर्रुन व मताउन इला हीन, ठिकाना और सामान जिंदगी है एक वक्त तक। जज़ाकअल्लाह। तो आइए आगे चलते हैं, अगली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतलक्का, फिर सीख लिए आदम, आदम ने मिन रब्बिही, अपने रब से, कालिमातिन, कुछ कालिमात, फताबा अलैही, तौबा कबूल की उसकी अल्लाह ने, इन्नहु हुवत तवाब रहीम, बेशक वही है तौबा कबूल करने वाला यानी रहम करने वाला। तो आइए लफ्जी तर्जमा देखते हैं। वापस तलक्का, सीख लिए आदम, आदम ने मिन से रब्बिही, अपने रब से कालिमात। सर ये जो फतलक्का था आपने बताया था ये फेले मजारे है, तो ये तर्जुमे में तो मतलब माजी में आता है कि फिर सीख लिए। जी हाँ, तर्जुमे के अंदर जो है बहुत सारी चीजें किसी वजह से माजी और मुदारे में तब्दील होती हैं, ये इसी तरह है। तो थैंक यू सिस्टर फॉर द जो है इंटरप्रिटेशन। आइए फताबा अलैही, तो पस तौबा कबूल की उनकी अल्लाह ने। तो मैंने आपको बताया था ताबा इला और ताबा अला, ये दो आते हैं, अगर अला के साथ है तौबा कबूल की करने वाला यानी अल्लाह के लिए, और ताबा इला तौबा करने वाला यानी जो तौबा करता है बता इंसान। तो ताबा के मैंने पलटना, ताबा अला तौबा कबूल की, ताबा इला तौबा की, ये दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिए और याद रखिए। आगे है इन नाहु, बेशक वो तवाब वही जो है क्या तौबा करने वाला है, रहीम रहम करने वाला। तो इसकी शरह देखते हैं। अल्लाह की रहमत का अंदाजा लगाइए कि खुद उसने आदम अलैहिस्सलाम को तौबा का तरीका भी सिखाया। इससे पहले आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा सिखाए, यहाँ बयान है कि अल्लाह ताला ने आदम को कालिमात सिखाए, वो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजें सिखाई। क्या हम भी सीखने के लिए तैयार हैं? जबकि अल्लाह ताला सिखाने के लिए तैयार है। यहाँ अल्लाह हमें ये बता रहा है कि उसने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की, हमें भी फौरन अल्लाह ताला से माफी तलब करना चाहिए ताकि वो हमारी भी तौबा कबूल फरमाए। सैयदुल इस्तिगफार सीख लीजिए, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलकनी अना अब्दुका वा अना अहलुका वा वादिक मस्तात वा अऊज़ु बिनियामतिका लिया अबू मिज़म बिफ़क्फिल्ला फ़क्फिल्ली।
तो ये जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ये इस्तग़फ़ार पूरे यकीन के साथ दिन में पढ़े और वो रात होने से पहले मर जाए तो वो जन्नत में है। अगर कोई पूरे यकीन रात में पढ़े और सुबह होने से पहले मर जाए तो वो जन्नत ही है। सच्ची तौबा करनी चाहिए और वो ये है कि बंदा अपने गुनाह का इकरार करे, उस गुनाह की माफी तलब करे और दोबारा करने का और उसके बाद उस गुनाह से बचता रहे। जब भी हम अल्लाह ताला की सिफात का तज़किरा सुने तो वो फौरन इस सिफत के लिहाज से दुआ करें, मसलन यहाँ अत्तवाब है तो फौरी तौबा करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबी होने के बावजूद तौबा करने की जरूरत पड़ी, तो हमें तो बार बार तौबा करते रहना चाहिए। अल्लाह जी आप में से कोई इसे एक बार फतलक्का सीख लिए आदमु आदम ने मिन रब्बिही अपने रब से कलमातिन कुछ कलमात फताबा अलैह तो तोबा कबूल की अल्लाह ने उसकी इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम बेशक वही है तोबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। आप आंखें बंद करके गालबन पढ़ी थी, मैंने इतनी दफा उंगली हटाई नहीं नहीं नहीं, आपने डायरेक्ट आयत कैसे पढ़ दी? आप पहली दफा मेरे सामने पढ़ रही हैं, आप आऊज और ताबूज पढ़ेंगी, बिस्म पढ़ेंगी, फिर बात तलावत। सर मैंने ताउस पढ़ लिया था, मैं पढ़ लेती हूँ जोर से लेकिन मैंने पढ़ लिया था। ये इतने लोग जो है बैठे हैं हमारे के सामने, आप पहली दफा ये आयत पढ़ रही हैं, तो ताबूज जो आपने जो है एक घंटा पहले पढ़ लिया तो वो इस पे अप्लाई हो गया? हमने तो वो आपका ताबूज सुना ही नहीं, हम तो आपसे ये आयत डायरेक्ट सुन रहे हैं। ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى پھر سیکھ لیے آدم آدم نے من ربه اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات فتابا تو توبہ قبول کی علی کلمات کچھ کلمات فتابا تو توبہ قبول کی علیہ اللہ نے اس کی انہ بے شک हुवत तवाब रहीम वही है तोबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। जज़ाकअल्लाह। तो आइए इसका तर्जमा एक बार देख लेते हैं। फिर शैतान ने उन दोनों को फिसलाया, इससे फिर उन्हें निकलवा दिया उस जगह से जहां वो थे और हमने कहा तुम उतर जाओ, तुम्हारे बाद बाज के दुश्मन है और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और एक वक्त तक सामान्य जिंदगी है। फिर आदम ने हासिल कर लिया अपने रब से कुछ कलमे, फिर उसने उसकी आदम की तौबा कबूल की, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। तो आइए असबाक की तरफ चलते हैं। शैतान हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन बहुत खतरनाक और तजर्बाकार दुश्मन है। हमेशा शैतान से अल्लाह की पनाह मांगिए और उसकी चालों से खबरदार रहिए। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, शैतान की पैरवी करके उसे बर्बाद मत कीजिए। जब भी हम में से कोई गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। तो आइए आज की सबक के हवाले से दुआ करते हैं। अल्लाह मैं हमेशा तेरी पनाह चाहता हूँ या चाहती हूँ ताकि शैतान मुझे फिसला न दे। अपना एहतसाब करते हुए प्लान बने, इंशाल्लाह मैं हमेशा अल्लाह ताला की पनाह चाहूंगा या चाहूंगी ताकि शैतान मुझे फिसला न दे। अस्मा की तरफ चलते हैं। आज के इस आयतों में जो अस्मा है, शैतान जमा होती है शयातीन, उदू जमा है अदा, मता जमा अमतिया और कालिमा कालिमा की कालिमा, तीन हर्फी जो सेहतमंद आए हैं। क्या है? हबता यहबितु इहबित हाबित महबूत हबू। गौर कीजिए, हबता यहबितु, हबता यहबितु जो क्या है, दरबा यद्रिबू के पैटर्न पे आता है। तो इसका मतलब हुआ ये बाप दरबा से है। और कमजोर अल्फाज में जो है क्या आए हैं, ताबा यतूबू तुब, ताइब मतूब इलैह और तौबा। अब ये देखें ताबा यतूबू जो है वो बाब नसरा और उसमें आगे जो है फिर क्या है, काला के पैटर्न पे, काला कौन काना, ये दोनों जो है बाब नसरा के सामने हैं। तो कमजोर अल्फाज लेकिन इनका मेन बाब क्या है, बाब नसरा है। ताबा यतूबू से बदल, इसी तरह काला और जो है काना ये दोनों भी है उसी से
باب نصر سے. تو یہاں پہ پہلا حصہ مکمل ہوا. آئیے دوسرے اہم حصے کی طرف چلیں جو کہ آج ہمارا بہت ہی اہم حصہ ہے, درس ہے, کیونکہ اس میں ہم نے دو چیزیں جو ہے پوری کرنی ہے. ایک جمع مقصر جو ہم مختلف پیٹرن ہیں ان کو دیکھیں گے, اور دوسرا مجہول. تو آئیے, ٹائم کم ہے اس لیے ہم تیزی سے جو حصے کر سکتے ہیں انہیں تیزی سے کریں. مثلا الفاظ یا کلمے کی تین قسمیں ہیں, اسم, اس کی علامتیں, فعل اور حرف, یہ ہمیں پتا ہے. جمع دو قسم کی ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے جمع سالم, اور اس کا آپ نے طریقہ یہ سیکھا تھا کہ اسی ون میں کہ واو نون یا نون آخر میں بنا دیں تو جمع مذکر کی ہو جاتی ہے, اور اگر الف تا لگا دیں تو وہ جو ہے مؤنث کی جمع بن جاتی ہے. مثلا یہ دیکھیے, ایک لفظ ہے مسلم, اس کی جمع کیا ہوگی؟ جمع سالم. جی بتائیے, مسلم کی جمع مسلمون, مسلمین, کیا ہوگا؟ مسلمات, مسلمات. مومن کی جمع کیا ہوگی؟ مومنین, مومنون. بعد میں آتا ہے, پہلے واو نون کا صیغہ آتا ہے. ہمیشہ جب بھی جمع سالم بنائیں گے پہلے واو نون کی بنائیں گے, مومنون پھر کہیں گے مومنین. کبھی بھی مومنین پہلے نہیں بنے گا, پہلے ہمیشہ مومنون بنے گا پھر مومنین بنے گا. اسی طریقے سے مونس جو ہے مومنات ہو جائے گا. آگے ہے صالح. جی جمع بنائیے, صالحون, اور صالحات. اس کے بعد اب ایک دوسری جمع ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں جمع مکسر یا ٹوٹی ہوئی جمع. پہلی تھی سالم تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ ٹوٹی ہوئی. ٹوٹی ہوئی جمع کیا ہوتی ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے, جو لفظ ہوتا ہے اس کے کچھ حصے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. مثلا یہ دیکھیں, ایک لفظ ہے عمل. اب عمل کی جمع اگر ثابت ہوتی تو یہ عملون عملین ہوتا, ایسا نہیں ہے. عمل کی جمع ہوتا ہے اعمال. اس کا مطلب ہوا عمل کے اندر دیکھیں, الف شروع میں اضافہ کر دیا گیا, پھر میم کے بعد ایک اضافہ ہوا, تو یہ جو ہے کیا ٹوٹ گیا عمل جو ہے وہ لام جو ہے وہ ٹوٹ گیا میم سے, تو یہ ٹوٹ گیا. ٹوٹنے کی وجہ سے یہ مکسر جمع کہلاتی ہے. اسی طرح دیکھیں قلب, اس کی جمع اگر سالم ہوتی تو یہ ہوتا قلوبون قلوبین, ایسا نہیں ہے. قلب کی جمع ہوتا ہے قلوب. اسی طریقے سے اسم, اس کی اگر سالم ہوتی تو اسمعون اسمعین ہوتا, ایسا نہیں ہے. یہ کہتا ہے اسم سے اسما, تو ایسی اسما کو جمع مکسر کہتے ہیں. آج ہم اسی کے پیٹرن دیکھیں گے کہ مختلف پیٹرن کیا ہیں. ساجدہ آپ اپنا سوال نوٹ کیجئے, آخر میں میں انشاءاللہ کلاس پوری کرنے کے بعد آپ سب کے سوالات دوں گا اور جوابات. ٹوٹی ہوئی جمع مکسر کئی طرح کی ہوتی ہے. پہلا اس کے اندر جو ٹائپ ون ہے اس کا پیٹرن آتا ہے عمل سے اعمال, انما الاعمال بالنیات, اس کی مثال ہے. اسی طرح بصر, بصر سے کیا ہوگا؟ جی بتائیے, ابصار میں غشاوت, اس سے یاد کیجیے. مثل کی مثال ہے کا مثل الذی استوقد نارا. اسی طرح نور کی جمع انوار, ذہب اللہ بنورہ. اس کی جمع اذان. تو یہ دیکھیں یہ سب کیا ہے, ایک ہی پیٹرن پہ, اعمال, ابصار, امثال, انوار, اذان, سب میں شروع میں الف اور آخری لفظ سے پہلے الف کا اضافہ. اس کی اور مثالیں دیکھیں, فوج کی افواج. یہ تو اردو کے لفظ ہیں, اردو میں بھی یہ جمع مذکر جو ہے وہ یا جو ہے واحد جمع ہم یاد کرتے ہیں, اسی طرح فوج افواج. یوم, ایام. اسی طرح میت, اموات, اموات کا لفظ ہے. شہی, اشیاء, اسم, اسماء. اسی طرح عضو, عضو, عضو. شروع میں حمزہ اور آخری لفظ سے پہلے الف آ رہا ہے, جیسے شروع کے ہم نے دیکھا تھا. یہ سب پیٹرن ون کہلاتا ہے. اس کا پیٹرن ون کی اتنی مثالیں ہم نے دیکھ لی. ابھی اور بھی ہیں, ند کی جمع ندا, ندا, اور نحر کی جمع انہار, ازواج, لب کی جمع الباب. سارے آتے ہیں,
मैं तो समझा पूछा, मैं बताऊंगा। हाँ अरबाब बेटा लगा के आ गया, कलम इमाम। इन सब के शुरू में हमजा और आखिरी लफ्ज से पहले अलिफ आ रहा है। ये सारा पैटर्न वन है, टाइप वन। इसकी इतनी सारी मिसालें आ गई आपने। अब आ जाते हैं टाइप टू की भी कुछ बात। टाइप टू में होता है अबद, इसकी जमा होता है अबाद। इबाद, ठीक है, अबद इबाद। और दम की क्या होगा? दिमाग। यानी इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न ये है कि आखिरी लफ्ज से पहले अलिफ आता है। पहले पैटर्न में क्या था? शुरू में हमजा और आखिरी लफ्ज से पहले अलिफ आया था। इसमें पैटर्न ये कि आखिरी लफ्ज से पहले अलिफ आता है। अबद इबाद दम दिमाग। तीसरा पैटर्न देखें, तीसरा पैटर्न क्या है? कल्ब की जमा होता है कुलूब, सदर की जमा सुदूर, सदूर मलिक की जमा मलूक, मलूक। इसका पैटर्न देखें, पैटर्न क्या है? यानी आखिरी लफ्ज से पहले वाव का इजाफा किया गया। पैटर्न को फॉलो करें, कल्ब से कलूब वाव का इजाफा हुआ, सदर से सदूर वाव का इजाफा हुआ, मल्क से मलूक वादा। ये क्या है? थर्ड पैटर्न। पहला पैटर्न क्या था? शुरू में हमजा और आखिरी लफ्ज से पहले अलिफ। दूसरा पैटर्न क्या था? आखिरी लफ्ज से पहले अलिफ। तीसरा पैटर्न क्या है? आखिरी लफ्ज से पहले वाव का इजाफा। अब चौथा पैटर्न भी देख लीजिए, शहीद से शोहदा, शहीद से रहीम से रहमा, रहमा शहीद से शुरका, सफिया से सफीना। देखिए आखिर में हमजा के साथ, हमजा से पहले अलिफ है, एक अलीफ और हमजा का इजाफा हो रहा है। शहीद से शोहदा, रहीम से रोहमा, शरीक से शुरका, सफीर से। अब देखिए पांचवा पैटर्न, पांचवा पैटर्न होता है नफ्स से अनफुस, लेकिन इसकी दो नफ्स की दो जमा, अनफुस और नफूस, नफूस इसकी दो जमा। ये आपने कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनकी दो जमा या आती है तो वो आपने अलहदा से याद कर। छठा पैटर्न है सायका, इसका आता है सवाइक, ठीक है जी। सातवां पैटर्न है नबी से अंबिया, उर्दू में भी। आठवां पैटर्न है उद्दा से आए, आपने वहां सूरत जब पढ़ी थी नफासा, वहां आपको ये बताया गया था जी उकद जमा उकदा इसकी वाहिद है। नौवां पैटर्न देखें, सॉरी एक मिसाल है इसमें आठवें की, सूरत से सुवर, सुवर। और एक और होता है सूरत, सूरत सूरत कहते हैं फोटो तस्वीर को, उसकी जमा भी सुवर, वो स्वाद से होती है, सूरत स्वाद से और जमा भी स्वाद से, और पैटर्न यही है उसका भी। नवा पैटर्न देखो, खलीफा से खलाइफ या खलाइफ। दसवां पैटर्न है इंसान से, हाँ जी ये तो हम खुद आ गए हैं, हमारी भी कोई जमा बनाए, नसियान, नास, 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 आपने तो इंसान को ही बुला दिया, अल्लाह रहम करे, हाँ जी उनास, उनासी, ठीक है, या उनास, इसकी भी दो जमा, जैसे नफ्स से अनफुस नफूस था, इसी तरह इंसान से उनासी और उनास होता है, ठीक है। हजर ये दस ग्यारहवा पैटर्न आ गया, खलीफा का भी खुल्फा होता है ना, खलीफा का भी खुल्फा, खुल्फा जो है उर्दू में होता है, अरबी में खलाइफ होता है, हजर का हिजारा। तो आइए ग्यारह पैटर्न देखिए, अब आ जाइए, अब थोड़ा सा लंबा सांस ले, सुकून से बैठ जाएं, अपने सारे माइक म्यूट रखें, अगर पेंसिल कलम है तो संभाल लें, क्योंकि आज आप वो चीज सीखने जा रहे हैं जो आपको जिंदगी में शायद फिर दोबारा ही कभी कोई बताएगा। फेल मजहूल जो है ये तकरीबन हर सफ़े में दो मरतबा आता है, इतना अहम है। बनाने का तरीका क्या है ये देखें, जो माजी में इसके बनाने का तरीका है, जो हरफ होता है उसके पहले हरफ पे पेश लगा दें। ये देखें हमारे पास तीन ऐसी लफ्ज है, फा एंड लाम, तो पहला काम क्या करते हैं, पहले हरफ पे पेश लगाया, फा पे पेश लगा दिया, उसके बाद जो ये एन कलमा है दरमियान वाला, इस पे जेर लगा देते हैं, और जो ये आखिरी
नाम कलमा है उस पे जबर लगा देते हैं, तो हमारा क्या लफ्ज बना? फूरा। पहले प्लीज मैंने कहा था म्यूट रखिए, ये मत कॉपी पेंसिल संभाल लिए, ये चीज आपको दोबारा कहीं भी नहीं मिलेगी मैं बता रहा हूँ। तो आप जब बोलेंगे तो जितना बोलेंगे उतना हमारा वक्त जाएगा और मैं उतनी जल्दी से क्लास खत्म करूँ। तो लिहाजा फू ईला पहले पे पेश, दरमियान वाले पे जेर और लाम कलमा। तो हमारा माजी का क्या हुआ पैटर्न? फू ईला। आइए अब आपको इसकी मश्क कराते हैं। मसलन फाला से क्या बनेगा जी? ईला तो बना है ना? और फतह से क्या बनेगा? फूतिहा। नसरा से क्या बनेगा? इसका पहले से मौजूद है। कतला से क्या बनेगा? पहले पे पेश, दरमियान वाले पे जेर, आखिरी पर जबर लगाना है। तो हमारे पास बता दिया। अब फिर से जो है म्यूट कर लीजिए, सुकून से बैठ जाइए और देखिए इसका मुतारे कैसे बनता है। कताबा से कुतीबा। कुतीबा। अब आपको मैंने कहा था म्यूट कर लीजिए, प्लीज ब्रदर म्यूट करके आप जितना मर्जी बोल सकते हैं बोलते रहे अपनी जगह। हमने एक पढ़ा था नसरा का टेबल माजी का, नसरा नसरू नसरता नसरतु नसरतुम नसरना नसरत। नसरा उसने मदद की, नसर उन सबने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सबने मदद की, नसरना हम सबने मदद की, नसरत उसने। अब ये देखिए इसका हमने क्या करना है, मजहूल बनाना है। लुक देखिए मजहूल बन गया क्या? पहले पे पेश, दरमियान वाले कलमे पे जेर, आखिरी पे जबर। नसरा से उसीरा, उसकी मदद की गई। नसरू से नूसीरू, उन सब की मदद। हाँ एक चीज याद रखिए, ये जब मजहूल बनता है तो इलामत बदल। मसलन ये हम कहते हैं नासारा, ऐसे इशारा है ना, जब कहेंगे नुसीरा तो ये इशारा ऐसे हो जाएगा, मजहूल का इशारा, उसकी मदद। हम ये कहते हैं नासारू, ये इशारा था ना, जब हम कहेंगे नुसीरू तो ये हाथ ऐसे उठ जाएगा, इशारा उसी तरफ होगा लेकिन हाथ। आगे था नसरता, नसरता हम ऐसे इशारा करते थे ना एक उंगली से सामने, तो अब क्या होगा? नुसीरा जो है वो क्या हो गया, ऐसे हो जाएगा आपकी मदद के लिए। फिर था नसरतु, ये इशारा था, और जब हम करेंगे नुसीरतु तो हाथ को ऐसे कर लेंगे कि ये इस पोजीशन में है। इस तरह था नसरना, सॉरी नसरतु, नसरतु था तो अब ये क्या होगा, नुसीरतु हो जाएगा। पहले पे पेश, दरमियान वाले में से आखिर में पेश, ये तुम की वजह से। अब है नसरना से क्या हो जाएगा, नुसिरना। ये देखे हाथ जो है ऐसे पोजीशन हो जाएगी नुसिर, और ये था नसरत से नुसिरा। तो माजी का क्या बना? नुसिरा, नुसिरू, नुसिरता, नुसिरतु, नुसिरतुम, नुसिरतुम में ऐसे हाथ हो जाएगा नुसिरना और नुसिरा। चलिए जी अब आ जाते हैं मुदारे की तरफ। मुदारे का देखें कैसे बनता है। पहले हरफ पे पेश जैसे माजी में था, दूसरे हरफ पे सकून। मुदारे इलामत के बाद अब ये चार हरफी हो गया ना, तो एक हरफ को साकिन करना पड़ेगा, तो दूसरे को हमने सकून दिया। तीसरे हरफ पे क्या है? जबर। माजी में हमने क्या डाला था? जेर, यहाँ जबर। और आखिरी पे क्या करेंगे? पेश। वहां पे क्या था माजी में? जबर था, यहाँ पे पेश हो गया। तो क्या लफ्ज बना? ये देखें, युफ आलू। मुदारे क्या बना? युफ आलू। पहले पे पेश, दूसरा साकिन, तीसरे पे जबर, चौथे पे पेश, युफ आलू। ये मुदारे की वो जो है मजहूल की फॉर्म है। युफ आलू वो करता है या करेगा, युफ आलू ऐसे, ये हाथ एकदम ऐसे टर्न हो, युफालूना वो सब करते हैं, युफ ये क्या हो जाए, युफालूना। तो ये इस तरीके से आपने बनाना है। आइए देखते हैं यफालू से क्या हुआ, युफालू। प्लीज
और यज शुरू से क्या होगा, अब जवाब दीजिए। युन सारू स्वाद पे जबर आएगा। आगे यद रिबु से क्या होगा, युद्ध रबु, युद्ध रिबु, गुड वेरी गुड। आगे है यफ्ताहू, यफ्ताहू से बनाइए, युफ्ताहू हो गया। राहिमा से बनाइए, पहले तो मुदारे बनाइए, ये राहिमा जो है माजी है, इसका मुदारे बनाइए, या रहीम, या रहीम। अब या रहीम को क्या उसे बदलिए, वेरी गुड एक्सीलेंट। यहाँ पे डबल काम आपसे कराया गया। करा, हाँ जी करा, आज ये तो माजी है, पहले तो इसका मुदारे बनाओ, यकराऊ से मजहूल बनाए, यकराऊ। बस अगर आपने ये समझ लिया तो आपको आ गया। तो आइए ये देखें, हमारे पास नासरा का था टेबल, यानसुरु वो मदद करता है, यानसुरु ना वो सब मदद करते हैं, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरु ना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं, तनसुरु वो औरत मदद। आइए इसका मुदारे देखे, युन सरु वो मदद की, उसकी मदद की जाती है, युन सरु ना उन सब की मदद की जाती, तुन सरु आपकी मदद की जाती है, उन सरु मेरी मदद की जाती है, तुन सरु ना आप सबकी मदद कर, नुन सरु हम सब की मदद की जाती है। तो ये आपका था माजी का टेबल जो है आपके सामने है, और ये आ गया जो दारे, ये आपका नार्मल है, नसरा नसरु नसरता नसरतु नसरतु नसरना नसरत, यंसुरु यंसुरु ना तनसुरु अनसुरु तनसुरु ना ननसुरु तनसुरु। अब आपकी है, पहले तो आप माजी का जो है वो टेबल मुझे कराइए। हाँ जी कौन कराना चाहेगा, टाइम तो करते है हमारे पास, टाइम एक दो मिनट है जी, कौन कराना चाहेगा, हैंड रेस कीजिए जी। खालदा मंजूर कराएं जी, माजी का टेबल मुदारे का, और इलामते के मुताबिक जो है इशारे उस तरह कीजिए जी। नुसीरा उसकी मदद की गई, नुसीरू उन सब की मदद की गई, नुसीरत उन आप सब की आपकी मदद की गई, सॉरी नुसिरता आपकी मदद की गई, नुसिरतु मेरी मदद की गई, नुसिरतुम आप सब की मदद की गई, नुसिरना हमारी मदद की गई, नुसिरत उस औरत की मदद की गई। ये सिस्टर आतिफा आप भी करा दीजिए, नुसिरा उसकी मदद की गई, नुसिरू उन सब की मदद की गई, नुसिरत नुसिरता आपकी मदद की गई, नुसिरतु मेरी मदद की गई, नुसिरतुम आप सब की मदद की गई, नुसिरना हमारी मदद की गई, नुसिरत उस औरत की मदद की गई। जी मोहम्मद हसन आप भी दोहरा दीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नुसिरा उसकी मदद की गई, नुसिरु उन सब की मदद की गई, नुसिरत आपकी मदद की गई, नुसिर तो मेरी मदद की गई, नुसिर तुम आप सब की मदद की गई, नुसिर ना हमारी मदद की गई, नुसिरत उस औरत की मदद की गई। आप इन्होंने जो है इसमें रुकावट महसूस की, मुझे समझ नहीं आई, नुसिरा नुसिरु के बाद नुसिरता, नुसिरता जेर सिर्फ आया है ना स्वाद के नीचे, बाकी तो वो जैसे पहले आ रहा था, नुसिरता, ये तीनों ने मुश्किल महसूस किया इसमें। चलें जी टाइम कम है, इसलिए हम इसका मुदारे का टेबल ले आते हैं आपके लिए, मैं ढूंढ के लाऊं। हाँ आ गया आ गया आ गया। चलें जी, हाफिजा समाइल, समाइल क्या है जी, आप कराइए मुदारे का टेबल। युनसरु उसकी मदद की गई, युनसरुना उन सब की मदद की जाती है, युनसरु उसकी मदद की जाती है, युनसरुना उन सब की मदद की जाती है, तुनसरु आपकी मदद की जाती है, उनसरु मेरी मदद की जाती है, तुनसरुना आप सब की मदद की जाती है, नुनसरु हमारी मदद की जाती है, या तुनसरु उस औरत की मदद की जाती है जी। कैसरा खालिद आप भी दोहरा दीजिए मुदारे का टेबल। युनसरु उसकी मदद की जाती है, युनसरुना उन सब की मदद की जाती है,
تنصرو آپ کی مدد کی جاتی ہے, انصرو میری مدد کی جاتی ہے, تنصرونا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے, ننصرو ہماری مدد کی جاتی ہے, ہی تنصرو اس عورت کی مدد کی جاتی ہے. جی آگے ہے تجمل حسین. جی تجمل حسین. جی جی کرا دیجیے مدارے کر دیجیے. جن سرو اس کی مدد کی جاتی ہے, جن سرونا ان سب کی مدد کی جاتی ہے, تن سرو آپ کی مدد کی جاتی ہے, ان سرو میری مدد کی جاتی ہے, تن سرونا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے, نن سرو ہماری مدد کی جاتی ہے, تن سرو اس عورت کی مدد کی جاتی ہے. ابھی چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جانا چاہیے, کیا خیال ہے؟ ابھی اتنی محنت کی ہے ہم سب نے مل کے, تو آئیے تھوڑا سا ٹیسٹ کا تو حق بنتا ہے نا, تو آئیے دیکھتے ہیں. سا آلہ یہ نارمل ماضی کا ایک صیغہ ہے, اس سے ذرا مجہول تو بنائیے. سا آلہ اس نے سوال کیا تو مجہول کیا ہوگا؟ گڈ. اچھا اگلا دیکھیں رزاقو. رزاقو پتا چلے گا آپ کا کولا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں, ورنہ کالا کا جو ہے کوئیلا بننا چاہیے تھا. اصول تو آپ کو یہ بتایا پہلے پہ پیش, دوسرے پہ زیر, اور آخر پہ جو ہے زبر لگا ہے, کالا سے کوئیلا بننا چاہیے. ایسا نہیں ہے, کالا سے کوئیلا بنتا ہے. اس کی دو وجہ, ایک تو یہ ہے کہ یہ کمزور حرف ہے, کمزور فعل ہے, کمزور فعل میں تبدیلی ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں کوئیلا جب ہم نے بنایا تو یا جو ہے اس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو لفظ ہے اس پہ زیر آئے, ورنہ یا جو ہے وہ ناراض ہو کے ایک طرف ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ جاتے. تو ہم نے کیا کیا اس کو منانے کے لیے, کاف کا پیش ہٹا کے یاد رکھا. تو اس لیے کوئیلا ہوتا ہے, کوئیلا نہیں ہوتا, کوئیلا نہیں. چلیں اچھا جی اور تھوڑا سا ٹیسٹ نہ لے لیں. یا خوزو تسألون یہ تھا ترجعونا تو بنائیے تامرونا کا کیا ہوگا؟ آپ کو پتا چل گیا کہ ماضی میں اس کا پیٹرن ہوتا ہے فعیلا, اور تین حرفی جو ہے وہ ماضی کا حرف ہو. اور اگر مدارے میں دیکھیں گے تو کہتا ہے فعلا, ان پہ زبر آ جاتا ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو آئیے آپ چھوٹی سی جو ہے ایکسرسائز میرے ساتھ مجھے کرا دیجئے. مالک, ملک کی جمع کیا تھا؟ ملوک. ملوک. اور شرکا کا واحد کیا تھا؟ شریک. نسل کی جمع؟ امثال. امثال. انوار کی واحد؟ نور. تو فہا کی واحد؟ صفی. نفس کی جمع؟ انفوس. انفوس. صاحب کی واحد؟ صاحقہ. چلے آپ لوگ اس ٹیسٹ میں بھی پاس ہو گئے ہیں ماشاء اللہ, لیکن ٹیسٹ تو ٹیسٹ ہوتا ہے نا. ابھی کون ہمت کر کے مجھے خولیکا کا پورا ماضی کا ٹیبل کرائے گا؟ ہاں جی ہینڈ ریز کیجیے. اوکے کیسرا خالد کرائیے جی, دیکھتے ہیں خولیکا کا کرائیے. خولیکا
खुलिका। अच्छा जी आतिफा आप जो है मुदारे का करा दीजिए इसका। तो ये अभी आपको पता चल गया है, इसको आपने दो तीन दफा अच्छी तरह किताब से भी पढ़ लेना है और जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें भी देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा इस हिस्से को। ये स्पेशल रिकॉर्डिंग है जो आमतौर पे इस तरह हम नहीं कराते, हम ये आखिरी दो टेबल कैसे दिखाते हैं कि ये नॉर्मल है, नासारा माजी का ये मुदारे है और ये जो है इसके जो है मजहूल के जो है माजी मुदारे के टेबल है और ये दो जो है प्रैक्टिस के लिए जो है माजी मुदारे की जो है ना स्लाइड है ये टोटल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों ने बहुत कुछ देख लिया, अब आपसे गुजारिश ये है कि अब आप अगले कोर्स के लिए तैयार हैं। आपको बड़ी खुशी होगी अगले कोर्स के सिर्फ 20 घंटों के बाद आपको कुरान की हर सत्र में सिर्फ एक नया लफ्ज बाकी रह जाएगा। और दूसरा ये जो सफ़े हैं देखें अगले जो है सफ़ों में पूरे कितने होते हैं, एक सफ़े में 135 होते हैं लफ्ज तक, तो देखें उसमें 17, 17, 8, 18 यानी 9 सफ़े हैं तो एक से ज्यादा आपका उसमें होता है। इस दिलचस्प और बाबरकत सफर को मत रोकिए। खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहू, खासतौर पर उस वक्त जब कुरान बहुत आसान लगे और उसके लिए कोर्स भी मौजूद हो। ये सवालात हैं, मैं बड़ी तेजी से गुजरूंगा। फजल्लमहा का मतलब है पस उसने फिसला, इन दोनों को उतरो, हमेशा अल्लाह की हिफाजत मांगे यानी बुराई शैतान और फसाद से। शैतान हमारा जो है बहुत बड़ा सबसे बुरा और सबसे खतरनाक दुश्मन है। तर्जमा के लिए फतलक का पस उसने हासिल किया और फताब अलैहि और उसने कबूल किया। जब आप ये तलावत करें कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की तो आप भी जो है दुआ कीजिए अल्लाह से मगफरत की। हबता से फेल मुदारे क्या होगा, यहबतु, ताबा का इसमें फाइल जो है ताइब होता है, अदु की जमा अदा और अरबी में कड़क की जो है अरबी होती है सवाइक, हल तजरी अनहार का तर्जमा होता है नाम तजरी अनहार, तर्जमा कीजिए अजवाजुल मुतहरातुन पाकीज़ा बीवी, बिना सवाइक का तर्जमा है चमक के साथ कड़क के साथ, नसरा यनसुरु का मजहूल होगा नूसीरा युनसर, रुकना का मजहूल होगा रुजिकना, और तुन सरूना का जो है तर्जमा होगा आप सबकी मदद की जाती है, नुसिरतु का तर्जमा होगा मेरी मदद की गई, हल तुनसिरन नासा जवाब होगा नाम नुसिर नासा, हल तदुना नाम नदा। तो 7 होमवर्क आपको पता है, 2 तिलावत के और 1 जो है वो 2 जो है आपके किताब के और पॉकेट बुक के तर्जमा, और अपने साथी से कोर्स की तरफ और टीचर बनिए, कम अज कम QC1 तो शुरू करा दीजिए कम अज कम अपने। तो आइए दुआ करते हैं। आऊज बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वकुल रब्बी आऊजक मिन हमजती शयातीन, वआऊजक रब्बी अन यहदुरूना, ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, वल्लाहुल खालिकुल बारीउल मुसव्विरुल असमाउल हुस्ना, युसब्बिहु मा फिस समावाति वल अर्ध वल अज़ीज़ुल हकीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط नेट का कोई वेट कीजिए सर का इंटरनेट का प्रॉब्लम है। सुभानक اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا ربنا زدنا علما وفهما وخشوعا وحدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
سبحانك اللهم سلام عليكم واخر الدعانا ان الحمد لله رب العالمين آمین. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفر و نتوب علیک. تو اللہ حافظ. اب آپ کے سوال جواب کی باری ہے تو